आज के डेट में यूक्रेन से समझौता कराने जा रहे हैं मोदी जी, रशिया यूक्रेन के वार का समझौता कराएंगे मोदी जी। जो बिडेन अमेरिका और इटली सारी देशें फेल हो गई, ये जाके समझौता कराएंगे, बताइए, ये जाएंगे और जाके समझौता कराएंगे, ये तो इनकी इसी बात है ना करा रहे हैं। अरे ये कराएंगे क्या, ये मुद्दों को भड़का रहे हैं, भटका रहे हैं लोगों को, अंधभक्तों को ये भटका रहे हैं। जब देश में प्रदेश में कोई मुद्दा इनको नहीं मिला तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, यहाँ के लोगों की बेसिक नीड्स को आप पूरा करिए, जरूरत है, साढ़ भैंस गाय गोरु चल रहे हैं खेत में, गठबंधन का है, गठबंधन जीतेगी यहाँ से भी, पूरे उत्तर प्रदेश से गठबंधन जीत रही है भारी बहुमत से, अब्बास अंसारी भी यहाँ से जीत जाएंगे। अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, ये देखिए ये उनके अपनी राजनीति है, सुभाषपा गठबंधन है, अखिलेश ने अपने पार्टी से नहीं दिया, वो उनके पार्टी में थे ही नहीं तो वो देंगे क्या, वो उन पार्टी में हमेशा से मुख्तार अंसारी यहाँ से निर्दलीय लड़ते हैं, किसी पार्टी की उनको जरूरत ही नहीं है, किसी पार्टी की उनको जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों जो है सुभाषपा ने उनको टिकट दिया उससे वो लड़ रहे हैं। किस आधार पर अब्बास अंसारी साहब को आप वोट देंगे? विकास के आधार पर देंगे, कह रहे कि विकास हुआ नहीं, क्यों नहीं विकास हुआ, विकास नहीं हुआ उसकी वजह थी कि वो जो है सरकार में नहीं थे, उनकी पार्टी वो जो सदस्य थे वो सरकार में नहीं है, इस वजह से विकास कम हुआ। हुआ क्यों नहीं, इन्होंने तो जो है पूरा यहाँ का पावरलूम की अर्थव्यवस्था चौपट करके रख दी, पूरे भाजपा के सरकार ने पूरे प्रदेश को ये बिजली की व्यवस्था, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ पे बिजली बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन मऊ में बिजली नहीं मिल रही है, इस वजह से नहीं मिल रही है कि यहाँ के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति जो है पावरलूम पे डिपेंड है, और पावरलूम को लाइन नहीं मिलेगा, सप्लाई नहीं मिलेगा, चलेगा नहीं, 24 घंटे लाइट आती है सपा में। ये झूठी बातें हैं, कागजी बातें हैं, कहने को तो कह रहे हैं कि बेसिक तो पूरा कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो चना मांगा था आपसे, चना देंगे आप हमको, चना हम कमा के नहीं खा लेंगे, 5 किलो चना, 2 किलो तेल, 200 रुपए लीटर तेल हो गया, 200 रुपए तेल हो गया, और 2 लीटर तेल दे के जो है एक महीने किसी के 5 का परिवार है अगर तो हो पाएगा, बताइए, और पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, 100 रुपए लीटर पेट्रोल दिए के, और जो है आप जो बीजेपी योगी सरकार ये कहती है कि राष्ट्र हित के लिए, देश की तरक्की के लिए कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्या बर्दाश्त करनी पड़ती है बताइए, महंगाई देखिए, जो चीजें बर्दाश्त करनी होती है वो बर्दाश्त की जाती है, GST इन्होंने लाया, पहले था जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन्होंने लाया, व्यापारियों ने आम उपभोक्ताओं ने बर्दाश्त किया, ये जो GST दिया जा रहा है 18%, 28%, 12%, ये जो है आम जनता दे रही है व्यापारियों के तहत, तो ये बर्दाश्त ही तो जनता कर रही है, अब क्या करेगी जनता बताइए, टैक्सेस इतने हैं, टैक्स कलेक्शन इतना बढ़ गया, अब कोरोना काल में टैक्स कलेक्शन 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ हो गया, तो ये बर्दाश्त ही तो कर रही है जनता, सस्ता करना चाहिए, महंगा बेच रहे हैं, ले रही है ना, अब क्या बर्दाश्त करें, आपकी ये साढ़ भैंस को बर्दाश्त करें, हम लोग खेतों में किसान जो है साढ़ भैंस को बर्दाश्त करेंगे, मुख्तार अंसारी से बहुत बड़ा फायदा है मऊ को, वो हर आदमी नहीं जान पाएगा फायदा, वो जो यहाँ का बड़ा बिजनेसमैन है जो हॉस्पिटल चलाता है वो जानता है कि क्या फायदा, तो बताइए ना जनता को और लोगों को तक, नहीं नहीं जनता इतने से ही जान जाएगी भैया, आप मत जानिए, नहीं बाहर की भी जनता जान जाएगी इतने से कि हाँ उनसे उनके रहने से यहाँ क्या फायदा है। योगी सरकार कैसी लगी ये बताइए? नहीं अच्छी नहीं है, योगी सरकार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, नहीं अजी क्या क्या अच्छा लगा ये बताइए, अजी क्या अच्छा लगा वो बताइए, अरे अगर मैं बताऊंगा उनके आधार पे, वो ये कहते हैं कि मैंने 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी, 5 किलो अनाज बांटे, 24 गजरे भिंडी, ये मैंने कह रहा हूँ ये योगी सरकार कहती है। अजी यहाँ ये युवाएं पढ़ के बेचारे जो मास्टर बनने वाले हैं नौकरी नहीं मिल रही है, जो बेचारे सिपाही बनने वाले हैं नौकरी नहीं मिल रही है, तमाम नौकरी खा गए लोग, कहाँ से वो नौकरी दे रहे हैं, कहाँ आप बतिया रहे साहब, ये क्या नौकरी देंगे, आप बताइए क्या कह रहे थे कि नौकरी लेकर पकौड़े छानने की बात करते हैं सरकार, ये कहा जाता है कि यहाँ पे लोग डर में और दबाव में वोट देते हैं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, हमारा वोट हमारा हक,
हमारी मर्जी जिसको चाहे वोट दें, हमारे दिल में रहेंगे, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अजी मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तार अंसारी का आप चेहरा देखे कभी? मुख्तार अंसारी के चेहरे में एक कशिश है। अगर आपको बता दिया जाए कि वो मुख्तार पार हो रहा है, तो आप यहाँ से अपना कैमरा और ये माइक लेके दौड़ के भागेंगे, हम भी देख लें एक बार। और एक बात वो कशिश है, वो अभी तो जेल में है। किसी की जरूरत है धमकाने की नहीं है, वो हम जैसे लोगों को क्या धमकाएगा? वो अभी तो जेल में धमकावे अमित शाह को, योगी जी को, हमको क्या धमकाएगा? सौ की बात एक बात बता रहा हूँ, वो मरहूम के नाम पे 5 बार जीत अभी करेंगे, फिर से करेंगे, मरने के बाद भी 5 बार जीत करेंगे। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सौ की एक बात है, यही हकीकत है सर। हाँ, उनके टक्कर में कोई है नहीं। आदमी आज यूपी में चाहता है कि अखिलेश जी की सरकार बन जाए, बढ़िया सरकार। क्यों चाहते हैं अखिलेश योगी जी को भगाना क्यों चाहते ना? युवा आदमी, बढ़िया आदमी, काम करने वाला, इधर इधर पूर्वांचल, उधर पूर्वांचल, मेट्रो, तमाम रोड काम धंधा। अच्छा योगी जी कह तो भैया काम किए हैं, बता दी हुए हैं। जितना भी मेट्रो देख रहे हैं, 4 लेन 6 लेन सब इन्हीं का है। ये केवल आके फीता काट रहे हैं, ये क्या है? केवल लाइन लगवाए हैं। मायावती कहती है कि अखिलेश जो है मेरा फीता काट दिए घूम घूम। मायावती का पता ही नहीं है, वो तो आप अदब खत्म हो जाएगी।